सर, जो आपका सेटअप पे कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर? 8 लाख आ गया। 8 लाख रुपया? हाँ जी। तो भाई साहब, आज हम आए थे लुधियाना मोगा रोड पे। यहाँ पर जी हमें एक फूड ट्रक मिला है, जिसके पास हमारे जो हेमंत ब्रो हैं वो लेके आए थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आइटम्स मिलती है ना, बहुत ही बढ़िया मिलती है। बाकी थोड़ा सा हेमंत ब्रो बताएंगे आपको क्या क्या यहाँ पर मिलता है। मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है। अभी मैं खा के भी गया हूँ, लास्ट टाइम भी आया था। हम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये अभी मेरे पास आए थे, इन्होंने बताया कि मैं ट्राई करना है। मैंने भी तो किया है ट्राई। अभी आप करें, देखिए इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो ये जी हमारे सामने यहाँ के ओनर हैं जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ही गोपी सिंह है। सर, आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी आइटम रहती हैं? हमारे पास बर्गर है जी। हाँ जी। रोल है, रैप है जी। ठीक है। मंचूरियन है, नूडल है। ओके। फ्रेंच फ्राइज है। ठीक है जी। ओनली वेज है। ओनली वेज है। ठीक है जी। तो सर, यहाँ पर आपको फूड ट्रक लगाते हुए कितना वक्त हो गया? हमको 5 महीने हो गए। ओके, आप तो यहाँ पर 5 मंथ्स हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपका सेटअप लगा हुआ है, ये किसके ऊपर लगा हुआ है? ये जी आपा खुद तैयार की हुई है, ट्राली है ये। ओके। इन्हों ट्राली कहते हैं। आप जीरो लेवल तो अपने हाथी तैयार की है, कराई नहीं गए। ओके, ट्राली का ऊपर तुसी सारा सेटअप लगाया है। हाँ जी, हाँ, जीरो लेवल तो आप तैयार की है। ओके। सर, जो आपका सेटअप पे कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर? 8 लाख आ गया। 8 लाख रुपया? हाँ जी। तो सर, 8 लाख में तो एक अगर कहें तो रेस्टोरेंट बन जाता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने ट्राली के ऊपर ही सेटअप क्यों लगा दिया? सर ने कहा कि मेरा जो मेन कंसेप्ट है ना, 8 लाख लगे चाहे 9 लाख लगे, मेरा ये नहीं था कि मैंने पैसा लग रहा है। मेरा ये था कि कस्टमर है ना, जो कस्टमर को कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो यहाँ जब कोई दूर से देखता है ना, तो मुझे यही कहता है कि पाजी आपने जो सेटअप किया ना, बहुत बढ़िया लगाया है। क्योंकि सेटअप तो बढ़िया है, आपकी आइटम भी बढ़िया है। क्योंकि आपका सभी आइटम ना, जो भी आप बनाते हो, वो सारी यूनिक है। जब ये लोग कहते हैं ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर हमें अरे जो 8 लाख लगे हैं भूल जाते हैं हम। तो यहाँ पर जी हमारे जो बर्गर हैं, बर्गर की मेकिंग शुरू हो गई है। तो बर्गर चेक करिए जी, इनके जो बर्गर हैं ना जी, टोटली डिफरेंट हैं। सर, ये जो आप बर्गर लगा रहे हो, ये बड़े बड़े पीसेस में है, ये आप खुद बनवाते हो? हाँ जी। ठीक है। ऑर्डर से तैयार करवाऊंगे। ओके। हाँ, ठीक है। तो सर, इसका आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि नॉर्मल तो सारे बर्गर जो होते हैं लाइक यूज करते हैं बोन वगैरह के। आप सारे डिफरेंट चीज़ रखी है। ओके। ये आ गई जी इनकी आलू पैटी। सर, ये आप खुद ही बनाते हो? हाँ जी। ठीक है। ये जी आलू की पैटी है, मदर बनाती है। ओके, आपके मदर बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी जी पैटीज वगैरह ना जी, इनकी मदर प्रिपेयर करते हैं जी। ये देखिए जी, इन्होंने पैटी कट करके ना जी बर्गर्स के ऊपर रख दिया। ये देखिए जी, इसके बर्गर्स के ऊपर आ गए कुकुम्बर। ये देखिए जी, अनियन बर्गर के ऊपर आ गई। ये बर्गर्स के ऊपर जी आ गई ग्रीन चटनी। सर, इसमें क्या होता है ग्रीन चटनी में? ओके, सीक्रेट सॉस है। हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। ये कौन सी है सर सॉस? ये ग्रीन चिली जी। ग्रीन चिली? हाँ जी। ठीक है। ये आ गई जी टमाटो केचप, एंड ये आ गई जी मेयोनीज इसके ऊपर। सर, बर्गर की प्रेपरेशन हो गई सर डन? हाँ जी, हाँ। ये देखिए जी, हमारी जो बर्गर की प्रेपरेशन पूरी डन हो गई है। अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे जी, इसका टेस्ट कर। तो हमारी जो जी तीनों आइटम हो गई हैं रेडी। तो सबसे पहले जो हमारा जो पनीर रोल है जी, पनीर रोल का टेस्ट करके बताते हैं जी आपको। पनीर रोल के अंदर ना इन्होंने जी चीज़ चिल्ली की स्टफिंग की हुई है। सबसे पहले इन्होंने जैसे पनीर को तंदूरी सॉस लगा के ना मैरिनेट किया था, फ्राई किया था। एंड यहाँ पर दूसरी आइटम जो इनका जी तंदूरी बर्गर है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देख के बहुत ही डिफरेंट सा है बर्गर इनका। जो बर्गर का साइज चेक करिए आप, जहाँ पर भी कहीं पर भी आपने बर्गर खाए होंगे ना, वहाँ पर आपको बर्गर मिलेंगे राउंड शेप में। यहाँ पर बर्गर हैं जो लाइक लैंडस्केप में मिले हुए हैं। तो जैसे हमारे ब्रदर ने कहा था कि यहाँ की जो क्वालिटी मिलती है ना, बहुत बढ़िया मिलती है। तो इनकी बात सही रही यहाँ पर। तो अभी आपको जो इनका बर्गर भी टेस्ट करके बताते हैं जी। इनका ना ये बर्गर बहुत ही डिफरेंट है। एक साइज़ में तो इनका फ़र्क है ही है, शेप में फ़र्क है। एंड जो टेस्ट आ रहा है ना, क्योंकि सर कह रहे थे कि जो इनकी ब्रेड्स रहती हैं ना, वो खुद बेकरी से बनवाते हैं।
एंड जो इनकी टिक्की रहती है वो कह रहे थे टिक्की मेरी मदर बनाते हैं, तो जो माँ का प्यार होता है वो अलग ही होता है, माँ के हाथ के जो भी खाना होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। बाकी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पर जरूर विजिट करो। अभी ये अभी भाई तूने अभी कहीं भी बर्गर तो आपने खाए होंगे और टेस्ट भी आपने किया होगा। हाँ जी, अब ये चीज़ है, टेस्ट तो बता दिया आपने, क्वालिटी भी बता दी कि आपका क्या रेट है इसका, ये चीज़ है। अब इसका रेट बता दो क्या है, क्योंकि मेन प्राइस की बात आती है, तो प्राइस क्या है इसका, प्राइस रीजनेबल है या ओवर कॉस्ट है? प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, जैसे इन्होंने सेटअप किया होगा ना, बिल्कुल जो नॉमिनल रेट रहते हैं ना वही यहाँ पर हैं। तो बाकी जो प्राइस वगैरह ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एंड जो अभी प्रॉपर मेन्यू इनका डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक भेज दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर जो इनका जो डबल पैटी बर्गर है उसका रिव्यू मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं ही रिव्यू करता हूँ, उसका जो रिव्यू है हेमंत ब्रो करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लेके आए हैं। जैसे कि मैंने तो पहले भी मैंने बोला था कि मैंने इनके वेज रोल बर्गर सभी टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी आप फिर कह रहे हो तो आपके कहने पे मैं एक बार फिर टेस्ट कर लेता हूँ, मैंने तो खाए हुए वैसे। क्योंकि ऐसा है ना कि ऑडियंस को ये ना लगे कि हम तो रिव्यू करते हैं हर रोज करते हैं कि हमें अच्छा रिव्यू करना है, बट हेमंत ब्रो बताएंगे आपको। इनका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंस है। एंड एक चीज़ आप देखिए सभी लोग, जहाँ व्यू देखिए, यहाँ से इसके ऊपर से व्यू देखिए, हाईवे का व्यू है जी, प्रॉपर हाईवे है सामने, ये लुधियाना मोगा रोड हाईवे है, एंड उसके बिल्कुल पास ही ना जी इन्होंने जो ट्रॉली के ऊपर सेटअप किया हुआ है, ट्रॉली के ऊपर बैठे हैं हम। आपको लग रहा है जी, आपको ये लग रहा होगा कि हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जिसका जो साइड का सीन है हाईवे पे है। बाकी आपको जो भी है ना इसकी डिटेल वगैरह आपको ओनर से बात करके बताते हैं। सर हमने आपका ना तीनों चीज़ें ट्राई की, जो आपके तंदूरी बर्गर, डबल पैटी बर्गर और चीज़ रैप था, आपका बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा हमें। थैंक यू। लोकेशन पे कोई आना चाहे तो उसको कैसे पता लगेगा कहाँ पर ये पड़ता है जी? ये जी मोगा लुधियाना रोड पे है, अजीतवाल। अजीतवाल, हाँ जी, ठीक है ठीक है। जे आप मोगे तो आने जी फिर सज्जे हाथ है जी। ओके ठीक है जी। जे आप लुधियाने तो आने, ठीक है जी, फ्लाईओवर उतर के खब्बे हाथ। अगर आप भाई साहब आप लुधियाना से फिरोजपुर रोड की तरफ जा रहे हो ना, तो यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, अजीतवाल वाला पुल क्रॉस करते साथ फ्लाईओवर क्रॉस करोगे, बिल्कुल फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद चुगावा वाले के नाम पे यहाँ पर एक फूड ट्रक लगा हुआ है, जिनका जी फूड है ना जो बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए, इनका फूड ट्राई करिए। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर आप यहाँ पर आए हुए हो ना तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर ज़रूर आना। लोकेशन वगैरह जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इनकी। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, एंड ऐसे ही अगर आप यूनिक सी प्लेसेस आपको पता है ना जहाँ पर ऐसा बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलता है, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साइड बाय साइड हमारे ना इधर आपको एक राइट साइड और लेफ्ट साइड पे वीडियो दिखेगी, उस पर भी नज़र मार के ज़रूर जाना।